80 के दशक में किमी काटकर अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगी थी। इसी बीच इन्होंने संजय दत्त के साथ सरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान संजय दत्त और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने इनके प्यार को मंजूरी भी दे दी थी। संजय दत्त किमी के घर पर भी जाया करते थे। किमी की माँ टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय दत्त की नज़र ऋचा शर्मा पर पड़ी, जिन्हें देवानंद ने साल 1985 में फिल्म हम 5 से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहले ही फिल्म में संजय दत्त ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। फिर संजय को कई मशक्कत के बाद ऋचा शर्मा का नंबर मिला और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद 1987 में दोनों ने शादी कर ली। आखिरकार ऋचा शर्मा की खातिर संजय दत्त ने किमी काटकर को धोखा दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बेटी को जन्म देने के बाद ऋचा का एक गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया था।